जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्पर्श पेंशन स्लिप हुई गायब, आखिर क्यों? अब स्पर्श पोर्टल खोलकर मत बैठ जाना दोस्तों, पहले वीडियो को पूरी देख लेना, नहीं तो आप लॉगिन करेंगे, पेंशन स्लिप देखेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पहले वीडियो देख लेना, इसको समझ लेना। दूसरी बात, इनकी बढ़ गई पेंशन, बधाई हो। लाइफ सर्टिफिकेट पर संदेह हुआ दूर, धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा। अब दोस्तों एक पेंशनर है, उनकी जेन्यून समस्या थी, तो उन्होंने वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन दबा करके चैनल की मेंबरशिप ली और मेरा व्हाट्सएप नंबर वहां से प्राप्त किया। उन्होंने मुझे संपर्क किया व्हाट्सएप पर और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे जो है अभी तक ओआरओपी की ना मेरी पेंशन रिवाइज हुई है और ना ही मुझे ओआरओपी सेकेंड रिविजन का एरियर मिला है। अब देखिये दोस्तों, ऐसे तो कई हैं जिनको जो है जिनका पेंशन रिवीजन नहीं हुआ है और उनको एरियर भी नहीं मिला है। इसलिए दोस्तों मैंने इनसे पूछा, पहले जो है आप मुझे अपना पुराना पीपीओ भेजिए और नई पेंशन स्लिप भेजिए, ताकि मैं जान सकूं कि आपकी ओआरओपी के सेकंड रिवीजन में पेंशन बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने मुझे पहले अपनी पुरानी पीपीओ भेजा। अब आप इसमें देखेंगे दोस्तों, इनका मैंने सबसे पहले रैंक चेक किया, पेटी ऑफिसर, यानी कि दोस्तों इनका पे लेवल आता है L05 में, यानी कि हवलदार रैंक की ये पेंशन ले रहे हैं। दूसरा जो है, जो इनकी सर्विस थी दोस्तों, सर्विस थी इनकी, मैंने निकाली जब डेट ऑफ एनरोलमेंट और डिस्चार्ज से, कि इन्होंने दोस्तों 15 साल सर्विस की है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि यह हैं फैमिली पेंशनर्स। जी हाँ, और फैमिली पेंशनर्स होने के नाते जो है इनका अप्रैल तक पूरा का पूरा एक साथ एक मुश्त इनको जो है एरियर मिल जाना था। लेकिन मैंने इसको देखना था दोस्तों कैलकुलेशन करके कि क्या इनकी बढ़नी भी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। अभी देखिए, 1 जनवरी 2016 से इनकी जो नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन बनती है दोस्तों 11,643 रुपए और इनहेंस रेट पे बनती है इनकी 19,404 रुपए। तो जो इन्होंने मुझे अक्टूबर की पेंशन स्लिप भेजी दोस्तों, इसमें जो है मैंने देखा कि इनको जो है 11,643 रुपए, यानी कि जो 7 CPC में इनको नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन इनकी बनती थी वो इनको मिल रही थी। और इनको एक्चुअल मिलनी कितनी चाहिए आपको मैं बताता हूं दोस्तों, हवालदार 15 साल, फैमिली पेंशनर्स ऑर्डिनरी रेट पर, ठीक है दोस्तों। और इसका है टेबल नंबर 27 दोस्तों, जो ऑर्डिनरी रेट पर फैमिली पेंशन ले रहे हैं वो टेबल नंबर 27 देख सकते हैं। और इनका ग्रुप है दोस्तों वाई ग्रुप और ये है दोस्तों हवलदार रैंक, ठीक है। मैं इसमें जब नीचे आता हूं यहां पर और 15 साल की इनकी सर्विस में देखता हूं तो 13,070 रुपए इनको पेंशन मिलनी चाहिए, और जबकि दोस्तों मिल कितनी रही है 11,643 रुपए, यानी कि अभी तक इनका पेंशन रिवाइज नहीं हुआ है, जबकि फैमिली पेंशन है और ना ही इनको एरियर मिला है। दोस्तों मैंने इनको बताया कि जो इनकी पेंशन है 13,070 रुपए रिवाइज होनी चाहिए, यानी कि आपकी पेंशन बढ़नी है। तो इनको यह भी पूछा कि आपका माइग्रेशन स्पर्श में कब हुआ है, तो अभी रिसेंटली इन्होंने बताया कि जो है अगस्त या सितंबर में इन्होंने मुझे बताया था कि तब मेरा माइग्रेशन हुआ था। तो इसका मतलब दोस्तों, जब इनकी बैंक से पेंशन आती थी तो बैंक ने इनकी फैमिली पेंशन रिवाइज नहीं की है, अब स्पर्श के पास है, स्पर्श ने इसको रिवाइज करना है। तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने पूछा हमें क्या करना चाहिए, मैंने तुरंत बताया इनको कि आप जो है सीपी ग्राम में जो है इसकी कंप्लेन डाल दीजिए। इन्होंने दोस्तों सीपी ग्राम में कंप्लेन डाली और इवन की स्पर्श में जो है लॉगिन करके इन्हें मैंने ग्रेवांश डालने के लिए भी कहा। इन्होंने दोनों काम किए, ग्रेवांश भी डाला और सीपी ग्राम में जो है इन्होंने कंप्लेंट भी डाल दी। और दोस्तों इसका रिजल्ट इतनी जल्दी आया, शायद 15-20 दिन के अंदर इस पर एक्शन हो गया। इन्होंने मुझे नया पीपीओ नंबर भेजा कि मेरा नया पीपीओ जनरेट हुआ है, सर इसे देखें, इसमें आखिर हुआ क्या है। तो अब यहां पर देखते हैं दोस्तों, जो इनका नया पीपीओ आया है, ओल्ड वैल्यू आप देख रहे हैं, ओल्ड वैल्यू दिखा रहा है 11,643 रुपए जो कि इनको मिल रही थी। अब नई वैल्यू दोस्तों इनकी पेंशन रिवाइज करके 13,070 रुपए कर दी गई है, तो ये बड़ी खुशी की बात है, इनको बधाई हो। और 13,070 रुपए तो दोस्तों कब से की गई है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 13,070 रुपए मिलेगी दोस्तों इनको 26 जुलाई 2020 से। अब आप सोच रहे होंगे कि ओआरओपी का सेकंड रिवीजन तो 1 जुलाई 2019 से हुआ है, फिर इनको 20 से क्यों मिल रही है, क्योंकि उससे पहले दोस्तों आप देख रहे हैं यहां ले रहे थे इनहेंस रेट पर ऑर्डिनरी
फैमिली पेंशन, तो इनहेंस रेट पर दोस्तों जो इनकी पेंशन बनती थी 21,782 रुपए, तो इनको मिलेगी 21,782 के रेट पर 1 जुलाई 2019 से 25 जुलाई 2020 तक। यानी कि इनका जो एरियर बनता है दोस्तों दो पार्ट में बनेगा, एक तो जितने समय यानी कि 25 जुलाई 2020 तक का बनेगा इनहेंस रेट पर, और दूसरा बनेगा दोस्तों जब इनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट पर शुरू हुई 26 जुलाई 2020 से, तो एरियर दूसरा इनका यहां से शुरू होगा अभी तक का, और उसके बाद हो जाता है इनका दोस्तों जो भी टोटल एरियर बनेगा वो इनके खाते में जो है एक मुश्त आएगा, क्योंकि ये फैमिली पेंशन है। और इनकी पेंशन भी जो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसी महीने रिवाइज होकर के आएगी, क्योंकि इनका जो है कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट हो चुका है। तो दोस्तों यदि आपके भी इस प्रकार के मामले हैं तो आप भी अगर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशनर हैं नॉर्मल रेट पर लेते हैं तो टेबल नंबर 27 आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि किसी ने जो है लाइफ सर्टिफिकेट दिया अपना और मुझे बताया कि जो है स्पर्श में अभी तक उनका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हुआ है, उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी और मोबाइल से जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिया था। अब मैंने इनको पूछा कि आप अपना जो है लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देखिए, तो इन्होंने दोस्तों अपना स्टेटस अपलोड किया और इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस आपने किस प्रकार से देखना है। तो जब मैंने इनका स्टेटस देखा तो यहां पर इन्होंने बिल्कुल सही स्पर्श का पीपीओ नंबर लिखा, ये बिल्कुल सही लिखा, लेकिन दोस्तों जब मैं इनके यहां पर नीचे जाता हूं स्टेटस में तो यहां पर जो है इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहां पर, लाइफ सर्टिफिकेट विल बी सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय योर पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों यहीं पर गलती कर गए, इन्होंने यहां पर तो सारा कुछ सही लिखा लेकिन भेज किसको दिया, बैंक के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए भेज दिया, जबकि वो अब इनकी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी नहीं है। तो इनको क्या करना चाहिए था, इनको बैंक को नहीं भेजना था। तो इसके बाद मैंने इनको बताया, देखिए मैंने इनको मैसेज भेजा और अपनी इस वीडियो का लिंक भेजा, मैंने इनको बताया आपने गलत दिया है, इस वीडियो को दोबारा देखना और फिर से देना। और दोस्तों इस वीडियो को देखकर लाखों लोगों ने जो है अपने लाइफ सर्टिफिकेट दिए हैं मोबाइल के माध्यम से, इसका लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है जब ये दोबारा से अपना लाइफ सर्टिफिकेट इन्होंने देखा दिया तो उसके बाद दोबारा अपना स्टेटस भेजा, स्पर्श का पीपीओ नंबर बिल्कुल सही, और यहां पर देखिए दोस्तों स्पर्श पीसीडीए पेंशन अलाहाबाद, स्पर्श पीसीडीए पेंशन अलाहाबाद। तो दोस्तों ये इन्होंने स्पर्श के लिए बिल्कुल सही तरीके से भेजा है और दो एक दिन में इनका अपडेट भी हो जाएगा। और इन्होंने दोस्तों मुझे यह भी बताया कि मैंने पांच छह लोगों के औरों को भी दिए हैं तो मुझसे यह गलती हो चुकी है जो कि मैंने अपने वाले में किया है, तो मैंने इनको बताया कि कृपया करके उनका भी दोबारा से लाइफ सर्टिफिकेट दे देना और सही तरीके से जिस प्रकार से अब दिया है आपने तो आप इस प्रकार से अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे देना। तो दोस्तों इस वीडियो का लिंक मैंने दे रखा और आपको पता है कि तकरीबन इसमें जो है 10 लाख के करीबन व्यूज आ चुके हैं, शायद 5-6 हजार व्यूज कम है, वो भी एक दो दिन में हो जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों नई खबर पर, स्पर्श के पेंशन स्लिप के ऊपर मुझे दोस्तों कई कमेंट आए। देखिए नवंबर का पेंशन स्लिप स्पर्श से हटा दिया गया है, इन्होंने कमेंट में लिखा, और दूसरों ने लिखा कि यार मुझे मेरे साथ भी ऐसा ही सेम हुआ है, और इस प्रकार से मुझे व्हाट्सएप पर भी सर नवंबर की पे स्लिप पोर्टल से गायब हो गई है, दिख नहीं रहा है, नो डाटा अवेलेबल, ये सारा डिटेल भेजा। और इस पर दोस्तों ग्रुप में जो है काफी चर्चा भी हुई कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों है। और दोस्तों कल की डेट में कई पेंशनर्स को जो है उनकी मेल पर इस प्रकार का भी मैसेज मिलता है कि स्पर्श मंथली पेंशन अपडेट नवंबर 2023। अब देखिए दोस्तों इसमें नई चीज क्या है, क्यों मेल आई है, यहां पर आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि अपडेट, यानी कि इसमें कुछ अपडेट हुआ है। और अपडेट क्या हुआ दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों नवंबर की पेंशन स्लिप को हटा दिया गया था आपके स्पर्श पेंशन पोर्टल से। वो क्यों हटाया गया था दोस्तों, क्योंकि जो है नवंबर में आपको याद होगा नवंबर में कई पेंशनर्स ने अपने लाइफ सर्टिफिकेट दिए थे, लेकिन जब वो अपनी पेंशन स्लिप देख रहे थे तो वहां पर जो है उनका आइडेंटिफिकेशन स्टेटस जो था वो 30 नवंबर 2023 ही दिखा रहा था, यानी कि उसमें वह अपडेट नहीं हुआ था जबकि पोर्टल में वह अपडेट हो गया था। तो कई पेंशनर शिकायत कर रहे थे, मैंने पिछली एक वीडियो में बताया भी था कि यार जल्द नेक्स्ट पेंशन स्लिप में अपडेट हो जाएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो है पीसीडीए स्पर्श को इस चीज को देखना चाहिए, तो दोस्तों हो सकता है कि हमारी वीडियोज भी वहां तक
पहुंचती हैं उनको हमारे माध्यम से आपकी आवाज पहुंच चुकी, और उन्होंने क्या किया दोस्तों, उसको पेंशन स्लिप को वहां से हटाया, उसको दोबारा से अपडेट किया, जिनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा था उसको अपडेट किया, और उनकी नई पेंशन स्लिप में जो है नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट जो है 30 नवंबर 2024 करके दोबारा से आपके पोर्टल में जो है अपडेट अपलोड कर दिया। तो बीच में शायद 5-7 दिन आपकी पेंशन स्लिप गायब रही, आपको कई पेंशनर्स को तो यह पता भी नहीं होगा कि उनकी नवंबर की पेंशन स्लिप क्यों नहीं दिखाई दे रही है, या फिर दिखाई ही नहीं दे रही है। तो दोस्तों इसीलिए नहीं दिखाई दे रही थी कि उसमें इस चीज को अपडेट कर दिया गया था। और अब दोस्तों आप अपना पेंशन स्लिप नवंबर का चेक कर सकते हैं, जिसमें आपका नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट अपडेट हो चुका है। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।